टिहरी जिले के देवप्रयाग थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए रेलवे की कंपनी को दोषी ठहराया, जिसको लेकर लोगों ने सड़क पर हंगामा भी किया। सड़क हादसे की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे करीब 4 घंटे बंद रहा। बताया जा रहा है कि LNTT की हेल्पर कंपनी JS ग्लोबल एक्सप्रेस एजेंसी के ट्रक जिसमें सीमेंट भरा हुआ था, वो सेगमेंट की बेल्ट खुलने के कारण बीच हाईवे पर पलट गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे स्कूटी सवार 55 साल के गोविंद सिंह चौहान के ट्रक चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं देवप्रयाग पुलिस ने जनता को शांत कराकर चालक निजाम पुत्र सिद्दकी निवासी अजमेर राजस्थान को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। टिहरी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। ये आज हमारे कीर्तिनगर ब्लॉक के अंतर्गत बागवान क्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना हुई। और ये जो आज बद्रीनाथ राजमार्ग पर रेलवे की कंपनियों की जो लापरवाही रही, चाहे उसमें एलएनटी कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, आज इसके इनकी लापरवाही के बतौर हमने अपने एक युवा साथी को खोया। प्रशासन ने तो जो व्यवस्था बनानी थी वो बनी नहीं, लोग परेशान रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर जिस युवक की जान गई उसमें घटनाक्रम में, तो हम चाहते हैं कि उसको न्याय ये मिले, कि उसको पूर्णतः सरकार से पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, वो मिलना चाहिए।